हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे लेट नाइट वीडियो नहीं बनाई। वो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले अपना चैनल शुरू किया था लॉकडाउन में, तो जिस तरह मैंने अपना टारगेट अचीव किया वो मुझे पता है। मैंने 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे मैंने किस तरह पूरे किए वो सिर्फ मुझे पता है। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग वगैरह शुरू की, व्लॉगिंग की, उसमें मेरा चैनल कामयाब नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग छोड़ के मैं रिएक्शन करूँ। मैंने रिएक्शन करना शुरू किया इंडोनेशिया पर। मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, एक टाइम आया तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कुछ लोगों की नज़र ऐसी होती है कि जिस वजह से चैनल क्या आपकी हर चीज़ यार ख़राब हो जाती है, किसी की नज़र लग जाए, यानी कि कोई भी यहाँ किसी को देखकर खुश नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना सारा ये सब कुछ ना रिएक्शन में चेंज करता हूँ, मैं किसी और कंट्री पे करता हूँ, और मैंने इंडिया पे रिएक्शन करना शुरू किया। लेकिन मुझे बहुत सारी उम्मीद भी थी इंडिया से कि इंडिया मुझे बहुत जल्दी आगे ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने चैनल पर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत ज़्यादा सारा प्यार दें यार। आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट भी है। मैं जो चीज़ सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। रिस्क तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, इंसान तो मेहनत कर सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया मैं सब लोग यार मेरा साथ दें। मैं इंडिया आर्मी पर रिएक्शन करता हूँ, हर चीज़ पर रिएक्ट करता हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है इंडिया से, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा मायूस होकर और तंग आकर के वीडियो बना लूँ कि मेरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रही, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं जा रही। मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि इस चैनल के साथ मेरे काफ़ी सारे ख्वाब जुड़े हुए हैं जो कि मैंने पूरे करने हैं, जो कि नहीं हो रहे। इतना ही बोलूँगा और बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। खुदा हाफिज़।